तो कहानी यूँ है कि किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। उसके पास में चंदन के बहुत सारे उद्यान थे। उन उद्यान से चंदन की लकड़ी को वह बाजार में बेचा करता था और बदले में उसे अच्छी खासी आमदनी हुआ करती थी। एक दिन सेठ एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था, तभी वह एक जंगल में फंस जाता है। वह देखता है कि रात हो गई है। इधर उधर नज़र घुमाने पर उसे कुटिया नज़र आती है। उस कुटिया में एक लकड़हारा रहता है। वह लकड़हारे के पास में सहायता की उम्मीद से जाता है। लकड़हारा उस सेठ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी मेहमान नवाजी करता है, उसे भोजन करवाता है। सेठ उसे जीवन निर्वाह का माध्यम पूछता है कि इस जंगल में तुम क्या ऐसा करते हो कि तुम्हारा जीवन निर्वाह होता है। लकड़हारा कहता है कि इस जंगल में मैं घूम घूम कर लकड़ी इकट्ठी करता हूँ, उसे कोयले में तब्दील करता हूँ और उसे बाजार में बेचता हूँ, जिससे उसका गुजारा चल जाता है। सेठ बड़ा दुखी होता है। उसे लगता है कि इस व्यक्ति का जीवन स्तर मुझे ऊपर उठाना चाहिए। सेठ उसे अपने गांव में आमंत्रित करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक चंदन का उद्यान दूंगा और तुम वहां काम करके अपना जीवन स्तर अच्छा कर सकते हो। लकड़हारा खुश हो जाता है और वह उस उद्यान में ही अपनी कुटिया बना देता है और वहीं रहने लगता है। इस बात को काफ़ी महीने हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद में सेठ वापस अपने उद्यान में जाता है, यह सोचकर कि अब उस व्यक्ति का जीवन स्तर है जो बहुत अच्छा हो चुका होगा। परंतु जैसे ही सेठ अपने उद्यान में पहुंचता है, वह आश्चर्यचकित हो जाता है। सारी लकड़ियां वहां पर कोयले में तब्दील हो जाती है, कुछ पेड़ों को छोड़कर। सेठ जी लकड़हारे को कहते हैं कि यह तुमने क्या किया। लकड़हारा कहता है कि सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल जाना पड़ता था, आपने मुझे यह उद्यान दिया। इस सारे उद्यान की लकड़ियों को मैंने कोयले में तब्दील कर दी और अच्छा खासा मेरा जीवन स्तर सुधर गया है। परंतु अब समस्या ये है कि ये लकड़ियाँ अब समाप्ति की कगार पर हैं। अब मेरे जो पहले वाले दिन हैं वो वापस आने वाले हैं। सेठ अपने सिर पर हाथ रखता है और ये सोचने लगता है कि इस व्यक्ति को इस अवसर का पता नहीं था कि अगर इस अवसर का इसने फ़ायदा उठाया होता तो इसका जीवन स्तर आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। सेठ जी उस लकड़हारे को एक लकड़ी देते हैं चंदन की और कहते हैं कि इस लकड़ी को पंसारी की दुकान पर बेच के आओ। जैसे ही वह बेच के आता है, वापस आकर लकड़हारा कहता है, सेठ जी इसकी कीमत तो इतनी है कि मैंने जितनी लकड़ियाँ कोयले में तब्दील करके बेची है वह भी इसमें शामिल नहीं हो पाती। सेठ जी उसे समझाते हैं कि तुमने अवसर का फ़ायदा नहीं उठाया, ये सारी लकड़ियाँ बहुत मूल्यवान हैं और तुमने इसे कोयले के समान समझा। लकड़हारा समझ जाता है और कहता है कि सेठ जी, अब जो पेड़ है उनकी मैं सेवा करूँगा, उसको मैं बढ़ाऊँगा और उसी लकड़ी से फिर अपना मैं जीवन निर्वाह करूँगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे सामने जो अवसर है जो चंदन की लकड़ी के समान है, परंतु अगर हम उसे कोयले के रूप में समझ रहे हैं तो यह हमारी मूर्खता होगी। और फिलहाल अगर हमने अवसर गवा भी दी है कोयले की भांति, तो पीछे बचे हुए चंदन की लकड़ी के समान जो अवसर है उसका उपयोग हमें करना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बना पाएं।